राजस्थान को नंबर वन पर लाके और हमें कलंकित करने का काम किया, उसके खिलाफ आवाज उठाने पर मुझे बर्खास्त करने का काम किया, विधानसभा में मुझे बोलने के अधिकार से वंचित किया गया, इसके खिलाफ मैं जाके जनता के बीच में जनता की अदालत में जा रहा हूँ। जनता की अदालत में जाएंगे आप, बसपा से लड़ते 1100 आपकी क्या रणनीति रहेगी? अब देखिए, राजस्थान में जाके सरकार के अंदर मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, सारी मंत्री परिषद का जाल को टेस्ट करा दीजिए, पता चल जाएगा दुष्कर्मी हमारे सरकार के अंदर बैठे हैं सारे दुष्कर्मी, इन्हीं की वजह से हमारा राजस्थान कलंकित हुआ है, महिला अत्याचार में दुष्कर्मी में और ये प्रदेश एक नंबर पर आया। आपको लगता है कि आप खुद पार्टी बनाएंगे? देखिए ऐसा मेरे लोगों से मिलकर बात करूँ, राजनीतिक दल आपके संपर्क में, सारी बातें आगे की बात, मेरी पार्टी में लोग क्या है वो लाल डायरी में, और उन्हें मिलकर मेरे हाथ से छीन ली, पूरी ताकत लगा के मुझे पूरी तरह से ये विधानसभा की बाहर ही नहीं आ पाई, 3 मिनट तक अकेला ही लोकसभा में नहीं बोलने दिया गया, मेरा माइक बंद कर दिया गया। मैं राहुल जी से कहता हूँ कि हमसे तो डायरी टेबल नहीं करने दी गई हमारी, हमें विधानसभा में बोलने नहीं दिया गया, हमें धक्के मार के विधानसभा से बाहर निकाल दिया गया, एक साथ हमें बर्खास्त कर दिया। एक सवाल मेरा और रहेगा कि जिस तरीके से जो घटना हुई विधानसभा में, शर्मनाक घटना की, शांति धारीवाल जी कहते हैं कि गुप्ता जी का केस बिगड़ा हुआ है। देखिए धारीवाल जी तो 10-10 साल की बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो जाते हैं, उसमें भी धारीवाल जी कहते हैं तो मर्दों का प्रदेश है, ये तो मर्दान की निशानी है, तो इस ऐसे बेहूदे आदमी के बारे में क्या कहा जा सकता है? धन्यवाद।